हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे टुडे एजुकेशन। देखिए, हम आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं। बहुत लोग मांग कर रहे थे कि पुलिस में आपकी वैकेंसी आनी चाहिए, तो पुलिस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आई है, यानी आपके पुलिस विभाग में जो वैकेंसी आई है, वो 1521 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन सी पद पद के लिए आपकी वैकेंसी आई है। हम इसमें बात करने वाले हैं आपका महिलाओं के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई है, पुरुषों के लिए कौन कौन सी पोस्ट आई है, फॉर्म भरने की तिथि क्या है, सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये निकाली है। आप जाकर के क्या कर सकते हैं, UK SSSC की साइट में देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, आरक्षी संवर्ग की पोस्ट आई है, ये कितनी है, ये आपकी 785 पोस्ट है। बात करते हैं पीएसी की, है ना, पीएसी कांस्टेबल, आपकी जो पुरुष की जो वैकेंसी आई है, ये आई है आपकी 291 पोस्ट आई है। हम बात करते हैं फायरमैन की, आप जानते हैं फायर ब्रिगेड जो ऑफिस है, ठीक है, उसमें पुरुष और महिला की आई है। देखिए, बाकी पुरुष की आई है, यहाँ पर महिला की भी है, पुरुष की भी है, ये आई है आपकी 445 पद। अब इनके अगर टोटल देखा जाए तो 1521 पदों पे वैकेंसी आई है, ठीक है। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है कि ये विज्ञापन कब आया है, ये आज आया है 28 दिसंबर को। ये जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे भाई, ये 3/1/2022 से स्टार्ट होंगे। हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, एज डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। जो शारीरिक दक्षता है, यानी पुलिस जो फॉर्म निकालती है उसमें जो फिजिकल है वो कितना लेती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, 3 तारीख से ये भरना स्टार्ट होंगे। और बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी, 16/2 होगी, मतलब 16 फरवरी 2022 होगी। और देखिए, इन्होंने पहले ही कह दिया है कि भाई जो अनुमानित समय है वो जून 2022 में इनको करवाना ही करवाना है ये पेपर, ठीक है, क्योंकि पुलिस में काफी भाई रिक्तियां हैं, ठीक है, जिस कारण से काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि कोविड का समय भी चल रहा है, तो ये सबका सब क्या है आपका, ठीक है, वैकेंसी आई है पुलिस डिपार्टमेंट में। देखिए, अगर आपने OTR फॉर्म पहले भरा है तो वहां से भी डायरेक्ट जाकर के आप क्या कर सकते हो, ओपन करके लॉगिन करके, यानी आप क्या कर सकते हो, वहां से फटाफट उस फॉर्म को भी भर सकते हो फटाफट, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखो दूसरी चीज इसने कही है, देखो जो आपकी परीक्षा होगी भाई वो किस तरीके की होगी भाई, देखो, ठीक है, वस्तुनिष्ठ का है, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, और ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है भाई, कोई से भी मोड में हो सकती है, पर शारीरिक दक्षता तो के लिए आपको ऑफलाइन प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब ज्यादा विद्यार्थी हो जाते हैं तो पहले फिजिकल होता है, कम विद्यार्थी होते तो रिटर्न पहले हो जाता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे पहले पदनाम। देखिए, पदनाम कौन कौन सी वैकेंसी आई है, पुलिस आरक्षी की आई है पुरुष के लिए, और आरक्षी आपके पीएसी और IRB की आई है पुरुष के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है उत्तराखंड आरक्षी पुलिस जो है आपका पुलिस विभाग में आरक्षी पुलिस की आई है पुलिस के लिए, और एक आई है आरक्षी आपका पीएसी, है ना, IRB पुलिस विभाग में। तो देखिए, पूरा का पूरा ये डेटा यहाँ पर आ रखा है कि भाई कौन सी पोस्ट किसके लिए है, ठीक है, मतलब इसमें जैसे देख सकते हैं भाई कि रिजर्व्ड कितनी है और अनरिजर्व्ड कितनी पोस्ट है, सब सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग इसको बिल्कुल देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत में जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो 30% आप जानते हो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, तो उनको तो मिलेगा ही, है ना, और बाकी लोगों को भी मिलेगा, आप सभी जानते हो भाई उत्तराखंड में काफी लोगों को मिलता है आरक्षण, ठीक है। देखो वेतन कितना है, वेतन यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखो वेतन इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, मतलब आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कह रहा है, ठीक है, ये सिर्फ आरक्षी के लिए है भाई, अब SI को इसमें मत लेकर क्या जाना, ठीक है, SI अलग पोस्ट होती है। देखिए, उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा, ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा आपकी क्या होनी चाहिए, उत्तीर्ण होनी चाहिए, है ना, मतलब आपने क्या 12th किया हुआ होना चाहिए, पहली बात तो ये है। अब दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, देखो अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य, यानी जिसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और जो OBC होते हैं उनके लिए 165 दिया गया है, जो पर्वतीय वाले लोग हैं तो उनकी 5 सेंटीमीटर में छूट मिलती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है, तो 160 हो जाएगा। कह रहा है कि जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनकी न्यूनतम कितनी होगी, 157.5 होगी, ये सब जानते हैं, सीने की माप देखो आप देख सकते हैं, ठीक है, बिना फुलाई इतनी है और फुलाने पर इतनी है, सामान्य और पर्वतीय देखो दोनों दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए भी दी हुई है, और अनुसूचित जाति के लिए भी दी है, और जनजाति के लिए भी दी है, और OBC के लिए भी दी है, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। आगे चलते हैं हम, ठीक है, हम उन पर बात करेंगे जहां पर काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, हमें क्या करना है, ठीक है। दूसरा ध्यान से सुनो,
देखो ये सारी दक्षता मांगी गई है। आप जानते हैं पीएससी में क्या होता है कि अगर आप एक्सीलेंट मारते हुए चलोगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, है ना, ये सब आप जानते हो। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि जो क्रिकेट बॉल थ्रो है कैसे फेंकनी है, ठीक है, लंबी कूद नहीं है ना, टोटल 20 मार्क है, चिनअप है ना, चिनअप आप सभी जानते हैं। और इसके बाद बात करते हैं बैठक की, जो काफी टाइम से वैकेंसी में वो कर रहे हैं अभी, तो वो एजुटेशन का जरूर जुड़े, जिससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पर स्टडी भी कराई जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आपकी ये सब पूरी दक्षता दे रखी है, तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखित जो प्रतियोगी है, प्रतियोगी परीक्षा हेतु ही पद का अनुसार जो आप पाठ्यक्रम के होगा क्या होगा, आप सभी जानते हैं सॉन्ग का होगा और दो घंटे की ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा, तो आप सभी जानते हैं ये बिल्कुल क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपको किया जाएगा। बात करते हैं फायरमैन की, जैसे बोलते अग्नि समय ना, फायर ब्रिगेड के ऑफिस में नौकरी रहती है, ये बहुत बेहतर नौकरी है। पुलिस और महिला के लिए जो आप पुरुष है महिला के लिए दोनों लिए, यहाँ पर पूरा वैकेंसी दिया हुआ है, अनरिजर्व और रिजर्व की है। देखिए सैलरी यहाँ पर आप अच्छी लेवल की है, यहाँ पर बात करते हैं सारी दक्षताएं क्या मांगी गई है। देखिए शैक्षिक जो हटा यानी आप कह सकते हैं इसको क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, इंटरमीडिएट मांगा गया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं इसमें, देखिए इस तरीके से आपकी जो आपकी शारीरिक जो अर्हता है, देखिए आप देख सकते हैं महिला के लिए क्या मांगा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका, है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं आप तुरंत क्या करिए, हमारे भाई उसमें जुड़ जाइए टेलीग्राम में, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, तो ये सब कुछ दिया हुआ है ना, तो इसको आप देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इवेंट का जो नाम है ना, मतलब क्या है, क्या क्या कराया जाएगा, देखिए क्रिकेट बॉल थ्रो कराया जाएगा, लंबी कूद कराया जाएगा, दौड़ कराया जाएगा, शटल रेस कराया जाएगा, स्कीपिंग, ये होता है महिलाओं के लिए, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर पुरुष के बारे में, बात की है पुरुष के क्या चाहिए, देखिए पुरुष के लिए लिखा है 168 चाहिए भाई, किसके लिए, ओबीसी के लिए, और भाई आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति है उनके लिए, और ये बाकी छूट दी गई है। देखिए आप देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए जो अभ्यर्थी है, सीने की जो माप होती है बिना फुलाए और फुलाने पे है, आप सभी जानते हैं ये आपका मेंस में होता है। और देखिए ये जो शारीरिक दक्षता दे रखी है जो आपको, ठीक है, एक्सीडेंट मारनी है, जिसके एक्सीडेंट मारोगे तो आपका फायदा ये होगा निकलने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि काफी बच्चे भाई देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा है आपका 50 मीटर तो 10 अंक तुरंत प्राप्त कर लेते हैं भाई, ठीक है बच्चे, जैसे 55 मीटर है तो आप 12 अंक प्राप्त कर लेते हैं बच्चे, वैसे ही क्या 70 मीटर तक फेंकेंगे बच्चे तो 20 अंक प्राप्त करेंगे, जितने ज्यादा 20-20 करोगे उतना आपका बेहतर हो जाएगा भाई, है ना। तो भाई प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो लिखित प्रतियोगिता होगी भाई, है ना, तो 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की आपकी ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, है ना। अभी तक तो आप काफी एग्जाम देते रहते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से भाई समझिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा भाई हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि आपको क्या क्या करना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो भाई इसी तरीके से आप क्या करिए, एजी रूट एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, यहाँ पर देखो एक और चीज है कि जो आयु सीमा रखी गई है, ठीक है, तो आयु सीमा तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, इन्होंने जो आयु सीमा में बात करें, आयु सीमा में तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर सीधा कह रहा है भाई जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2021 से की जाएगी, आरक्षी पुरुष आरक्षी और देखिए पीएससी के लिए और अग्निशमन के लिए, तो ये कह रहा है कि 18 वर्ष से कितनी होनी चाहिए, अधिकतम वर्ष होनी चाहिए आपकी 22, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो महिला यानी वुमेन है, ठीक है, तो वो क्या उनके लिए क्या है, 18 वर्ष से और 25 वर्ष अधिकतम होगी, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, जितने भी नए बच्चे हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं कि आपको ये वैकेंसी के लिए आपको भरना है कि नहीं भरना है। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इसी तरीके से बने रहिए एजुकेशन के साथ। कोई भी कमेंट तो इस वीडियो के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ दीजिए, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।